सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली AIAPGET प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑर्गेनाइज्ड बाय आपतार वेदा क्लासेस। डेली यू आर गिवन अ टारगेट ऑफ 10 क्वेश्चंस एंड द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड टू यू इज 15 मिनट्स। नाउ आई विल लेट यू नो हाउ यू कैन सॉल्व द टेस्ट। फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड द आपतार वेदा क्लासेस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आफ्टर दैट यू हैव टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ साइनिंग अप। Once you have signed up, you have to enroll to daily live test course. And after enrolling, you can start appearing for the test. And once you are done with the test, you can check the solutions with us on our YouTube channel, that is Aptar Veda Classes. So now let us begin with today's set of 10 questions. The first question is, Gat Rase Shwa Aushadhishu Sthalim अवतार्यम सुपरिपूतम। किस कल्पना के संदर्भ में कहा गया है? भैषज कल्पना का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आसव, बी स्नेहपाक, सी कषाय एंड डी रसक्रिया। तो ध्यान रखो, ये जो स्टेटमेंट आया है ये चरक में आया है। वैसे कल्पनाएं जो भी बताई गई है वो शारंगधर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चरक के बारे में आया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कषाय। रेफरेंस है चरक विमान 7वां अध्याय 17वां श्लोक। ठीक है, कषाय कल्पना के बारे में यह आया है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, या फिर क्वाथ कल्पना के बारे में भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, चरक अनुसार किस ऋतु में वात रोगी को भी लंगन करवाया जाता है? स्वस्थ वृत्त का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हेमंत, बी शरद, सी वसंत एंड डी शिशिर। तो ध्यान रखिए, वात रोगी को लंघन का निर्देश सिर्फ एक ही ऋतु में किया गया है, दैट इज शिशिर ऋतु में। क्यों? ऋतुओं में रोगी का बल अधिक रहता है, विकार कम उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से लंघन जैसी क्रिया है वो भी, लंघन जैसा उपक्रम है वो भी हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर है शिशिर। शिशिर में वात रोगी को भी लंघन करवाना चाहिए। रेफरेंस है चरक सूत्र 22वां अध्याय 25वां श्लोक। ठीक है, डी आंसर शिशिर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरें डैश 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 चेत समवायी। पदार्थ विज्ञान का क्वेश्चन है। ए आत्मा, बी मन, सी त्वचा और डी चक्षु। अब बहुत लोगों को इसका आंसर लगता होगा कि आत्मा होगा, या कुछ कुछ लोग मन बोलेंगे, बट इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी त्वचा। चेत समवायी, त्वचा के बारे में कहा गया है। स्पर्शेंद्रिय, या अगर ऑप्शन में स्पर्शेंद्रिय रहा तो उसको टिक कर उसको भी टिक कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, चेत समवाय किसे कहा गया है? त्वचा को या फिर स्पर्शेंद्रिय को। रेफरेंस दिया है यहाँ पर, देखो मैंने, चरक सूत्र 11वां अध्याय 38वां श्लोक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो, रस शास्त्र का ये क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अभी AIPGET में नया पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले 2 सालों से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आना भी शुरू हुए हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि द्रव्य गुण के, मोस्ट कॉमनली द्रव्य गुण के, उसके बाद रस शास्त्र के और कुछ कुछ शल्य तंत्र के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जो रस शास्त्र के क्वेश्चन हैं वो किस पे निकल सकते हैं? बेसिकली वो निकल सकते हैं जो हम यंत्र पढ़ते हैं सारे, उनके ऊपर क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो हमारा एक मोटो है कि एक प्रकार से जितने भी यंत्र हैं या जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन हैं वो हम, ये हमारे टेस्ट जो हम कोर्स ले रहे हैं उसके थ्रू हम ये कवर करें। ठीक है, तो यहाँ उसका एक एग्जाम्पल हमने दिया है। ये इमेज किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भूधर यंत्र, बी स्वेदनी यंत्र, सी दीपिका यंत्र एंड डी डोला यंत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूधर यंत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इमेज है भूधर यंत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वमनम न त दुश्छर्दी दुष्कोष्ठ न विरेचनम। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन है ये, समझिए। ऐसी जब स्थिति रहे कि एकदम कोष्ठ भी, जिसमें विरेचन भी नहीं हो रहा है, वमन भी नहीं हो रहा है, कोष्ठ भी एक प्रकार से दुष्ट है, क्या करें? तीक्ष्ण औषध एक बार में दें, सेकंड मृदु औषध बार बार दें,
सी तीक्ष्ण औषध बार बार दें, और लास्ट पुनः औषध प्रयोग न करें। तो ध्यान दीजिए इसका राइट आंसर क्या है, डी। जब भी ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति में फिर से मेडिसिन नहीं देना चाहिए, एक प्रकार से लंघन ही करवाना चाहिए पेशेंट, ठीक है, पुनः औषध प्रयोग ना करें, ठीक है। स्टेटमेंट सॉरी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। फिफ्थ क्वेश्चन का चरक अनुसार निम्न में से प्राणायतन नहीं है, रचना शरीर का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ओज, बी हृदय, सी बस्ती, डी क्लोम। इसका राइट आंसर बहुत लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है डी क्लोम। अब प्राणायतन जो बताए गए हैं चरक में, कितने बताए गए हैं, 10 बताए गए हैं। कौन कौन से हैं चलिए एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। ओज हो गया, हृदय हो गया, बस्ती हो गया, ठीक है। चौथा कौन सा है, चौथा है शीर, पांचवा है कंठ, छठवा कौन सा प्राणायाम बताया है, छठवा इज नाभि, सातवा कौन सा बताया गया है, सातवा बताया गया है गुदा। इसके बाद आठवा प्राणायतन कौन सा है, आठवा है वीर्य। नाइन्थ, नाइन्थ है, नाइन्थ इज रक्त या फिर शोणित, दोनों में से कोई भी। श्लोक में शोणित आया है, एक्सप्लेनेशन में रक्त आया है। और दसवा प्राणायतन कौन सा है, दसवा प्राणायतन है मांस। इस तरह से चरक ने यह 10 प्राणायतन बताए हैं, जिसमें से क्लोम नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पर, रेफरेंस है चरक शारीर 7वां अध्याय 9वां श्लोक। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हमने पूरे 10 प्राणायतन देखे, ओज हृदय बस्ती शीर कंठ नाभि गुद वीर्य रक्त और मांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चरक मतानुसार निम्न में से सद्योग्रोहित गर्भा का लक्षण नहीं है, प्रसूति तंत्र का ये क्वेश्चन है। ए तृप्ति, बी तंद्रा, सी पिपासा एंड लास्ट इज हृदय व्यथा। अब चरक ने जो श्लोक बताया है वो श्लोक क्या कहता है, निष्ठीविका गौरव अंग साध, निष्ठीविका गौरव अंग साध तंद्रा प्रहर्ष हृदय व्यथा च, हृदय व्यथा च, ये पहली लाइन आई है उसकी। सेकेंड लाइन क्या बताइए, तृप्तिश्च बीज ग्रहण, तृप्तिश्च बीज ग्रहणम च योन्या गर्भस्य। तो निष्ठिविका गौरव अंगसात तंद्रा लक्षण आ गया चरक के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद हृदय व्यथा ये लक्षण भी आ गया, तृप्ति ये भी आ गया, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, पिपासा। पिपासा यह सद्योग्रहित गर्भा का लक्षण नहीं है, किसके अनुसार, चरक के अनुसार, इंपॉर्टेंट है। श्लोक याद करो बहुत अच्छा रहेगा, निष्ठिविका गौरवम अंगसात तंद्रा प्रहर्षो च हृदय व्यथा च तृप्तिश्च बीज ग्रहणम च योन्या गर्भस्य सद्योग्रहित गर्भाय, ऐसा श्लोक दिया है। रेफरेंस है चरक शारीर 2वां अध्याय 23वां श्लोक। चरक का श्लोक याद कर लो, सुश्रुत का याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं कि चरक ने कौन सा माना है, सुश्रुत ने कौन सा माना है, तो वो ध्यान आपको रखना जरूरी है। सी पिपासा इज करेक्ट, वह चरक ने लक्षण नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 8, अश्मावृत्तम किस व्याधि के संदर्भ में कहा गया है, रोग निदान का ये क्वेश्चन है। ए कफज रुद्ररोग, बी कफज शिरोरोग, सी कफज गुल्म एंड डी कफावृत्तवात। अब एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कफ कफ वाले सारे ऑप्शन दे सकते हैं, बिकॉज वात पित्त कफ वाले ऑप्शन देंगे तो आप इजीली गेस कर लोगे, ठीक है। तो ध्यान में रखो अश्मावृत्त का मीनिंग क्या रहता है, छाती पर किसी ने पत्थर रख दिया हो ऐसा फीलिंग होने लगती है, ऐसा आभास होने लगता है, दैट इज व्हाट अश्मा अवरुत्तम। तो वो किसके संदर्भ में कहा गया है, कफज रुद्ररोग के बारे में कहा गया है। रेफरेंस कहाँ दिया है, चरक सूत्र 17वां अध्याय 35वां श्लोक, वहां आपको ये दिखेगा, ठीक है। अश्मावृत्तम इज सेट फॉर कफज रुद्ररोग।
क्वेश्चन नंबर 9, संशोधन के बाद स्थूल प्रमेही में कौन सा कर्म करना चाहिए? काय चिकित्सा का ये क्वेश्चन है। ए लंघन, बी पाचन, सी कर्षण एंड डी संतर्पण। ठीक है, अब देखिए इसमें एक प्रकार से एक ऐसी व्याधि है, कौन सी? स्थूल प्रमेही। एक इसकी दूसरी है कृश प्रमेही। स्थूल प्रमेही में संशोधन के बाद हम संतर्पण करते हैं, तो पहले इसका राइट आंसर बता देता हूं मैं आपको। राइट आंसर इज डी। जो कृश प्रमेही रहते हैं उसमें अपतर्पण किया जाता है, या फिर एक प्रकार से लंघन चिकित्साओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, संशोधन के बाद स्थूल प्रमेही में संतर्पण बताया गया है। रेफरेंस है इसका चरक चिकित्सा 6वां अध्याय 16वां श्लोक। ठीक है, संतर्पण, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी संतर्पण इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सुश्रुत अनुसार बालकों में किस ज्वर में 3 दिन तक घृतपान नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए वातज ज्वर, बी पित्त ज्वर, सी कफज ज्वर एंड लास्ट इज सन्निपातज ज्वर। तो ध्यान में रखिए, वातज ज्वर में बालकों में 1 दिन तक घृतपान नहीं करना चाहिए, पित्त ज्वर में 2 दिन तक नहीं करना चाहिए, और कफज ज्वर में 3 दिन तक नहीं करना चाहिए। सन्निपातक ज्वर के बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नो घृतपान, ये मैं लिख देता हूँ। वातज ज्वर में 1 दिन तक नहीं करें, पित्त ज्वर में 2 दिन तक, और कफज ज्वर में 3 दिन तक नहीं करना चाहिए। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत शारीर 10वां अध्याय 45वां श्लोक। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।